पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के नेताओं द्वारा जम्मू कश्मीर के संबंध में बहुत उल्टे पुल्टे बयान दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ ने खुद बुरहान वानी को एक शहीद के रूप में पेश किया और एक स्वतंत्रता सेनानी कहकर महिमा मंडित किया। क्या वो नहीं जानते कि बुरहान वानी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। ये वही शख्स था जो अनेक जनप्रतिनिधियों और सुरक्षा कर्मियों की हत्या जैसे जघन्य अपराध में लिप्त था। सीमा पार से आतंकवादियों को गौरवान्वित करने और भारत के एक अखंड भाग में हिंसा फैलाने के इन निंदनीय प्रयासों से भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन प्रयासों को पाकिस्तान एक नामी आतंकवादी हाफिज सईद और यूएन द्वारा प्रतिबंधित अनेक आतंकवादियों के साथ मिलकर खुद अंजाम दे रहा है। जिस देश ने अपने लाखों नागरिकों पर लड़ाकू विमानों, तोपों और टैंकों का इस्तेमाल किया हो, उसे हमारी बहादुर, अनुशासित और सम्माननीय पुलिस और सुरक्षा बलों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। अत्यंत प्रतिकूल और खतरनाक परिस्थिति में भी हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों का संयम और अपने साथी नागरिकों के प्रति सम्मान इस बात से जाहिर है कि जम्मू और कश्मीर में पिछले दिनों की हिंसा के दौरान 1700 से भी अधिक सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए, जिनमें से बहुत से आज भी गंभीर रूप से घायल हैं। आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा इस खुले प्रोत्साहन के पीछे पाकिस्तान का एक खतरनाक दिवास्वप्न है कि एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वयं ये बात कल कही है। पूरा भारत एक स्वर से वजीर आजम पाकिस्तान को यह बताना चाहता है कि उनका और पाकिस्तान का यह दिवास्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य भारत का एक अटूट हिस्सा है। जमीन के इस स्वर्ग को पाकिस्तान कभी भी आतंकी नरक नहीं बना पाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनकी दुआएं कश्मीरियों के साथ हैं। मैं कहना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने कभी दुआएं नहीं दी, बल्कि हथियारों और आतंकवाद का गहरा दर्द दिया है। पाकिस्तान की कोशिश है कि अपने संसाधनों, संस्थाओं और आतंकवादी संगठनों के द्वारा जम्मू कश्मीर में अस्थिरता पैदा की जाए। स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान से ये नापाक मंसूबा कल उजागर हुआ है। मैं फिर पुरजोर ढंग से ये दोहराना चाहती हूँ कि उनका ये नापाक मंसूबा कभी भी पूरा नहीं होगा।